गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। मैंने पालक लिया, इसको वॉश ऑफ किया है, वॉश किया है इसको, और इसको मैंने उबाला है पहले पानी में, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको चॉपर में चॉप किया है। आप देख सकते हैं ये इस तरह हो गया। अभी हम कढ़ाई लेंगे पहले, कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून, इसमें ज़ीरा डाला है, इसमें हींग भी डाल सकते हैं आप, और मैंने रेड चिल्ली डाल दिया इसमें, और इसको हल्का सा भुनना है पहले हमें। और इसके भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप मैंने करके रखे थे ऑनियंस, 2 ऑनियंस स्मॉल, और ऑनियंस को अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पनीर क्यूब्स, उनको भी फ्राई करेंगे हल्का सा, इसके साथ ही ऑनियन के साथ ही फ्राई करेंगे इसको। पनीर को भी हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पालक, ऐड किया हमने इसमें, और इसको मिक्स करना है अच्छे से। सॉल्ट डालना है अपने स्वाद अनुसार, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1 गिलास पानी डालना है। ये मिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें लीड लगाएंगे और इसको 5 मिनट्स तक पकाएंगे। अभी 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ट्रांसफ़र कर लिया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।